नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार, एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर एक नोजल की वीडियो ही हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। नोजल साइट पर हमारे पास में बहुत सारी नोजल रहती हैं जिनमें छोटी छोटी कमी पर वो बंद हो जाती है, तो उनमें क्या क्या छोटी छोटी कमी निकलती है वही आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे सब्सक्राइबर के कमेंट ऐसे आते रहते हैं कि नोजल की बहुत सारी वीडियो डालो, क्योंकि उनको भी पता है कि नोजल में काफ़ी तरह की कमियाँ आ जाती हैं, तो अलग अलग कमी को वो देखना चाहते हैं। तो हमने यही कोशिश की है, हमने चार पांच नोजल को इकट्ठा लिया है। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो उसको थोड़ा दो पार्ट में बना देंगे, लेकिन हमने कोशिश यही की है कि चार पांच नोजल को इकट्ठा खराब रख के और फिर उनको एक साथ ठीक किया जाए, क्योंकि उनमें अलग अलग कमियाँ निकलेगी तो ज़्यादा कमियों का पता लगेगा हमारे सभी व्यूवर्स को। तो आओ शुरू करते हैं। तो ये पाँच नोजल हमने लिए हैं, ये साइड से हमने ख़राब नोजल उठाई हैं, इनमें अलग अलग कमी हो सकती है, एक कमी भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर तो अलग अलग कमी होती है। तो हम इनको चेक करते हैं बारी बारी से कि इसमें क्या क्या कमी निकलती है। तो हम ये पहली नोजल इसमें कनेक्ट कर लेते हैं वाइब्रेटर में और इसको देखते हैं चला के, तो ये नहीं चल रही है बिल्कुल भी, वाइब्रेशन नहीं कर रही है। तो इस तरह से इसको हमें खोल के देखना पड़ेगा, लेकिन पहले हम सारी को बारी बारी से चेक करेंगे। तो इसको हम निकाल के दूसरे नंबर की नोजल लगाते हैं, इसमें देखते हैं क्या कमी है, ये वाइब्रेशन करती है या नहीं करती। वाइब्रेशन करती तो ये साइड से नहीं आती, लेकिन किसी में कुछ कमी निकल जाती है, किसी में कुछ कमी निकल जाती है, तो ये कमी हमें ढूंढनी पड़ती है कि क्या कमी है। तो ये भी बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं कर रही है, तो क्योंकि वाइब्रेशन ना करने के कई कारण हो जाते हैं, तो हमें वो कारण नोजल को खोलकर ही पता लगते हैं। तो ये भी हम एक तरफ रख देते हैं और अब तीसरे नंबर की नोजल लगाते हैं हम इसमें, तीसरे नंबर की में देखते हैं क्या कमी निकलती है। तो इसको भी हम वाइब्रेटर में लगाएंगे। अगर वाइब्रेटर में नए लड़के थोड़ा ये ध्यान रखें कि नोजल को लगाते समय थोड़ा सा वाइब्रेटर को घुमाना पड़ता है, तब वो कपलिंग में सही कनेक्ट होती है। तो ये वाइब्रेशन कर रही है और लोड भी ले रही है इतना, और लेकिन अभी इसमें कमी है कि इसका हम आपको एक बार वाइब्रेटर बंद कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या कमी है। क्योंकि इसका बिल्कुल हाउसिंग के पास से पाइप फट गया है, तो वो पाइप हमें इसका जोड़ना, इसमें काट के इसको नीच की रिप्पल वहाँ पे लगानी पड़ेगी। ये पाइप फट गया है यहाँ से, नहीं तो इसमें कंक्रीट की जो स्लैरी होती है वो घुस जाएगी और ये काम करना बंद कर देगी। अभी तक तो ये बची हुई है क्योंकि अभी तक इस पर टेप लगा हुआ था यहाँ पे। तो अब इसको हमें, अब ये इतना ज़्यादा फट गया है कि अब ये काम नहीं चलेगा, तो हमें ये रिपेयर करना पड़ेगा। और इसकी निप्पल जब हम लगाते हैं तो अगर स्प्रिंग हमारी बढ़ जाती है ज़्यादा, तो वो भी हमें काटनी पड़ती है। तो अब ये चौथे नंबर की हम ये लगा के देखते हैं इसमें क्या कमी है। तो हम ये कह रहे थे कि वाइब्रेटर में कनेक्ट करते टाइम पे लड़कों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वाइब्रेटर को थोड़ा सा घुमाना ज़रूरी होता है, तभी उसकी कपलिंग सही कनेक्ट होती है, नहीं तो वो ऐसे कनेक्ट नहीं हो पाती आसानी से। तो ये भी खाली में तो चल रही है लेकिन लोड नहीं ले रही है, तो इसमें ये कमी है कि ये लोड नहीं ले रही है। तो जो नोजल चलती है खाली और लोड नहीं लेती है, उनमें मोस्टली कमी ये निकलती है कि उसकी हाउसिंग हमें साफ़ करनी पड़ती है। लेकिन सभी की सिर्फ हाउसिंग साफ़ करने से काम नहीं चलता, किसी का बैरिंग भी ख़राब निकल जाता है, लेकिन ज़्यादातर कमी यही रहती है कि हमने या तो उसको लूज़ टाइट, अच्छी तरह टाइट ना करके थोड़ी लूज छोड़ दी है, कहीं से उसमें पानी घुसा है, या फिर पाइप का फटना भी ये दिक्कत आ जाती है। तो ये भी सेम कंडीशन है कि इसमें भी हमें सिर्फ खाली में ही ये चल रही है, लोड नहीं ले रही है। तो अगर हम इसको कंक्रीट में कहीं पे भी घुसाएंगे, कॉलम में, स्लैब में ये चल सकती है, लेकिन कॉलम में तो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो अभी यहीं से हम शुरू कर देते हैं इसको, वही प्रोसेस शुरू हो जाता है हमारा कि वाइस में लगाओ और सबसे पहले इसका एंड नट खोल दो, जो हम इसको टॉप नट भी बोल देते हैं, इसमें पाइप रिंच लगाओ और इसको खोल दो। और इसके बाद में हमें हाउसिंग खोलनी ज़रूरी हो जाती है। दोस्तों ये ध्यान से देखना चाहिए कि किस तरह से खुलती है, ये इसका प्रोग्राम उल्टा रहता है। कोई कोई नोजल ऐसी रहती है जो सही सीधी चूड़ी की होती है, नहीं तो ये उल्टे थ्रेड की ही होती है अधिकतर। तो हमें इसे यहाँ से खोल के ये पता लग जाता है कि हाँ, हमारी जो अंदर की इनर कोड है वो सही है, और अगर टूटने वाली होती है तो हम उसे भी चेंज कर देते हैं। तो ये पाइप यहाँ से ख़राब हो गया है, तो इसे काट के हमें आगे निप्पल लगानी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन रहती है कि वो पाइप इतना ख़राब नहीं रहता है, अगर चलने लायक रहता है तो हम उसको पलटी कर देते हैं। तो जिस तरफ हमारा फेरुल लगा रहता है उस हिस्से को हम इसकी तरफ लगा देते हैं, जो हमारी मेन हाउसिंग रहती है। तो हमें ये इनर कोड निकाल के इसकी
और इसको दूसरी तरफ से डाल देंगे इसमें, तो ये फटा हुआ जो पाइप का हिस्सा है ये मोटर की तरफ रह जाएगा, क्योंकि मोटर का जो मोटर की तरफ का हिस्सा रहता है जो फेरुल की तरफ का रहता है उसको कंक्रीट में अंदर नहीं जाना पड़ता है, वो बाहर ही रहता है, तो ये कुछ टाइम के लिए नोजल चल जाती है। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत आती है, अगर इसको पानी में कहीं ऐसे ही छोड़ देंगे हम तो उस टाइम पे इसमें पानी घुस जाता है और दिक्कत आती है। अगर ऐसे ही काम में ही चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसको हम ऐसे पलटी कर देंगे और दूसरी तरफ का हिस्सा हम इसमें वाइस में लगाते हैं, और उसमें ये इसका जो स्प्रिंग है जिसे हम इनर कॉर्ड बोलते हैं उसको लगाना शुरू करते हैं। ये फेरुल हम यहाँ से खोल लेंगे और इस फेरुल की तरफ से, ये फेरुल की तरफ हमें याद रखना चाहिए कि हमारी कट निप्पल रहती है, लेकिन हमें इस तरफ थ्रेड निप्पल लगा देंगे क्योंकि हम इस तरफ हाउसिंग को टाइट करेंगे। निप्पल जो इसकी रबड़ होज निप्पल रहती है वो दोनों तरफ सेम लगती है, उसे हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी में ही हमारा जो नोजल की तरफ का हिस्सा है वो हम पलट कर लगा देंगे और अपना काम यहीं से हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ का पाइप सही कंडीशन का है। तो इस तरह से ऐसी भी कमी निकल जाती है जिनको जल्दी में हम ऐसे भी ठीक कर लेते हैं कि पाइप ना काटें, और अगर वो पलटने की स्थिति में है तो हमें उसको पलट के लगा देना चाहिए। तो अलग अलग कमियों का हमें पता लगता रहता है। इस तरह से हम कट निप्पल वाला हिस्सा अब इधर से डाल देंगे और थ्रेड निप्पल हमारे इधर इस तरफ रह जाएगी, जिसमें हम हाउसिंग को टाइट कर देंगे। और हाउसिंग को भी हम एक बार अच्छे से उसके रूटर को हिला के देख सकते हैं कि यहाँ इसका बैरिंग जाम तो नहीं है, थोड़ा हाथ से उसको घुमा के भी देख लेते हैं। धागा लगाने बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी लूजिंग नहीं रहनी चाहिए जहाँ से इसमें पानी आसानी से चला जाए, जो कंक्रीट की हमारी जो स्लैरी होती है वो इसमें आसानी से ना जा पाए। तो इस तरह से अब इसका ये बैक नट हम पहले टाइट करेंगे और धागा लगा के इसे अच्छी तरह टाइट करेंगे। अब इसके बाद में फिर हम इसकी हाउसिंग ले लेते हैं, और इस पे भी हमें धागे का बिल्कुल ध्यान रखना है कि धागा ज़रूर लगाएं जिससे उसमें ज़्यादा लूजिंग ना रहे। और ये रूटर अगर घंटी की तरह ऐसे हिलेगा, अच्छी तरह बजेगा, तो वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत इतनी जल्दी नहीं होती है। बस हमें हाउसिंग को साफ रखना है। तो इस तरह से इसे भी टाइट किया जाए और फिर इसको वाइस में बीच में से दबाया जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबाई जब इधर बढ़ जाती है तो उतना प्रेशर नहीं लग पाता है, और होज निप्पल जो है वो इतना प्रेशर नहीं झेल पाती है और वो पिचक जाती है। तो इस तरह से हमें इसकी स्थिति बदल बदल के तब इसको टाइट करना होता है। अब यहाँ से जब इसको बैक नट से हमने यहाँ पे टाइट किया हाउसिंग को, अब टॉप नट को हम जब टाइट करेंगे तो हाउसिंग के को बिल्कुल बीच में प्रेस करेंगे, तो इस तरह से इसमें टाइट करने के लिए प्रेशर अच्छा लग जाता है। तो अब हमें इसमें एक कपड़े से और एक सरिये से, कोई बारीक सरिया हमें लेके इसमें कपड़ा लगा के और इसको एक बार अच्छे से हाउसिंग को फिर से साफ़ कर लेना चाहिए। और वैसे तो इसको बाहर में भी हम साफ़ करते हैं, लेकिन बिल्कुल पैक करते टाइम एक बार और इसका ध्यान रखना चाहिए कि रोटर और हाउसिंग यहाँ से बिल्कुल एकदम सूखी रहनी चाहिए, यहाँ कोई पानी, ग्रीस, तेल कुछ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वाइब्रेशन नहीं करेगी। ये हम हर वीडियो में आपको समझाते हैं कि टॉप नट वाला हिस्सा बिल्कुल एकदम सूखा रहेगा, वहाँ पर किसी किस्म का कोई तेल, पानी और ग्रीस नहीं रहना चाहिए। और इसमें थोड़ा सैंड डाल के अच्छी तरह इसको चमका दें, बिल्कुल एकदम क्लियर करें, और तब जाके इसको धागा लगा के टाइट करें, तो इसकी वाइब्रेशन एकदम एक नंबर की रहती है, उसमें कोई डाउट नहीं रहता है। तो इस तरह से इतने पे रोक के इसमें धागा अच्छी तरह फिल करें और इसको फिर अच्छी तरह से टाइट करें। इतने में ही हमारा काम इसका नोजल का कंप्लीट हो जाता है और ये सही वाइब्रेशन करती है, क्योंकि हमें बैरिंग और इसकी जो सील है अंदर की उसका खोलने पे पता लग जाता है, अगर ख़राब रहती है तो उसका हमें पता लग जाता है। लेकिन अगर अच्छे से रूटर एकदम फ्री घूम रहा है और ऊपर नीचे हो रहा है तो उसमें बैरिंग बदलने की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि बैरिंग का यही काम रहता है कि उसे फ्री घुमाए और ऊपर नीचे करे, क्योंकि उसमें सेल्फ अलाइनमेंट बैरिंग लगे रहते हैं। ये 50 mm की नोजल है तो इसमें 2203 नंबर का बैरिंग लगा रहता है। और अब फेरुल को भी हम देख लेते हैं, अगर फेरुल में प्ले है तो उसको दूसरा लगाएं, नहीं तो इसको टाइट कर दें। और अब इसको हम चेक कर लेते हैं, तो इस तरह से इसमें कनेक्ट करें, थोड़ा सा मोटर को घुमाएं और फिर से कनेक्ट करें और फिर इसकी पिन लगा दें। तो अब हम इसको चेक करके देखते हैं, तो ये बिल्कुल सही से नागिन डांस कर रही है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लोड भी ले रही है, इतना लोड काफ़ी है क्योंकि 90 kg वज़न है मेरे में भी, और मैंने इसमें पूरा वज़न दे के देख दिया। इस तरह से एक नोज़ल का प्रोग्राम सेट हुआ। अब दूसरी नोज़ल ले लेते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसका फेरोल खोल लेंगे क्योंकि इनर कोड हमें बाहर निकालनी पड़ती है, तो आगे पीछे करनी पड़ती है। और फेरोल को भी देख लेते हैं, देखो इसमें बहुत प्ले है तो इसको हम चेंज कर देंगे बाद में। तो अभी हम दूसरी तरफ से ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे इसको दबा के इसको भी ऐसे ही। इसका प्रोसेस तो आपको सबको पता चल गया होगा, जो नए लड़के हैं वो दोबारा से सुन लें कि भाई इसको पहले हम बीच में से दबाएंगे टॉप नट खोलने के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रेशर अच्छा लग जाता है। तो टॉप नट खोलने के बाद में फिर हम इसको थोड़ा सा इधर बैक नट पे प्रेस करेंगे वाइस से। तो देखने में तो ये भी लग रहा है कि इसका बैरिंग भी ठीक है और इसमें भी सफाई की ज़रूरत है। और यहाँ से अब हमने बैक नट पे दबाया इसको वाइस में रख के, और यहाँ से हमारी हाउसिंग खुल जाएगी। ये तरीका ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम की बातें हैं ये। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि इसकी इनर कोड भी कटी हुई या टूटी हुई नहीं है, ये भी ठीक है। तो ये भी सफाई थोड़ी मांग रही है और ये भी चल जाएगी सफाई करने के बाद में। तो इसको भी हम पहले धागा लगा लेते हैं इसमें, क्योंकि पैरिंग इसका भी सही है। तो इसको टाइट करेंगे हम, क्योंकि ये दोनों नोजल ऐसी थी जो लोड नहीं ले रही थी, यानी लोड पे नहीं चल रही थी। बाकी इसमें अंदर सब ठीक है। तो किसी किस्म की गलती सब पे होती है दोस्तों, हमारे से भी गलती हो जाती है, लेकिन कोशिश ये करें कि ध्यान से काम करें। तो गलती सबसे होती है, गलती से ना घबराएं। और इसमें जो है ना, यहाँ पे धागा अच्छी तरह लगाएं और इसका टॉप नट अच्छी तरह साफ़ करके और फिर से टाइट कर दें। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नोज़ल पानी में पड़ी रहती है तो धीरे धीरे पानी उसमें अंदर चला जाता है, फेरुल की तरफ से भी होता हुआ चला जाता है कभी कभी। तो ऐसी बात नहीं कि कोई भी काम करे तो कमी सबके काम में आ जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको अच्छी तरह टाइट करके इसको भी हम चेक करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये भी बिल्कुल एकदम सही चलेगी, क्योंकि तरीका यही रहता है कि अगर अच्छे से ध्यान से हमने काम किया है तो ये बिल्कुल 100% वर्क करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो गलती सबसे होती है, हमसे भी ये स्लिप होते हैं। पाइप रिंच कभी कभी इसमें अगर इसके दांते घिस जाते हैं तो बड़ा परेशान करता है। तो दांते अच्छे रहने चाहिए पाइप रिंच के, तभी ये सही काम कर पाता है। तो अब इसको भी हम वाइब्रेटर में चेक करके देखेंगे कि ये पास है या फेल है, ये नागिन डांस करती है या नहीं करती है। तो इसका फेरोल टाइट करें, अगर फेरोल में ज़्यादा प्ले हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर चेंज करें फेरोल को। नहीं, फेरोल चेंज करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नया करें, आप पुराने रिपेयर कर सकते हो, उसकी भी वीडियो हमने बनाई है। तो ये भी अब लोड लेने के लिए तैयार है, इस पर भी हम लोड दे सकते हैं और ये बंद नहीं हो रही है, सही चल रही है। तो इसका काम भी ओके हुआ। अब तीसरे नंबर की हम नोजल रखते हैं इसमें, जिसका पाइप फटा हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इस तरह से इसको टाइट करके हम वाइस में इसको भी खोलने की कोशिश करते हैं, और फटाफट हम इसमें देख, सब की कमी अलग अलग है तो अलग अलग कमी हम उसमें दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसका टॉप नट हमने खोल लिया, और अब इसको बैक नट पे टाइट करके इसका फिर हम मेन हाउसिंग खोल लेंगे। तो आपको अगर कोई भी डाउट इसमें है तो आप इसे पूछ सकते हैं। ओ माय गॉड, ये हमारी वाइस के साथ हादसा हो गया, हमारी वाइस की हड्डी टूट गई, ज़्यादा ताकत लग गई। तो अभी हमें पहले इसे ही रिपेयर करना पड़ेगा, नोज़ल बाद में रिपेयर होगी दोस्तों। तो पहले हम इसको अपनी वाइस को ही खोल लेंगे, इसमें जो दो पत्ती पीछे की है इनको हम खोल लेते हैं, क्योंकि ये रिपेयर करनी ज़रूरी है, इसके बिना हमारी नोज़ल रिपेयर नहीं हो पाएगी। ये दो नट बोल्ट इसमें रहते हैं और इससे ये पत्तियाँ अलग हो जाती हैं, और यहाँ से हम इसको अलग कर लेते हैं। अब वाइस के यहाँ पे जो पहला वेल्डिंग है इसको थोड़ा साफ़ करेंगे हम, ग्राइंडर से इसको घिसना पड़ेगा, तभी जाके हम इसमें दूसरा नया वेल्ड अच्छी तरह कर पाएंगे। तो इसमें मेल फीमेल टाइप बना रहता है, तो वो हम इसके खांचे में लगा के और अच्छी तरह इसमें वेल्ड कर देंगे। वेल्ड करने से ये एकदम मजबूत हो जाएगी और फिर दोबारा से हमारे काम के लिए ये तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह फंसा के उसमें फिट करके, उसके जो उसमें गोल इसका छेद रहता है उसमें मेल फीमेल टाइप बने रहते हैं, तो उसमें फंसा के इसमें अच्छी तरह वेल्ड करते हैं और इसको हम फिट कर देते हैं।
तो इस तरह से नीचे की तरफ का वेल्ड हो गया है, अब ऊपर की तरफ का भी वेल्ड इसका कंप्लीट। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है दोस्तों काम करते करते, कभी कभी बीच में कुछ और करना पड़ जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी नोजल के बारे में, अगर कोई भी आपको कुछ भी पर्सन हमसे पूछना हो तो आप पर्सन हमसे पूछ सकते हो, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं दोस्तों, और हम यही कोशिश करेंगे कि आपको सही सटीक उत्तर दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।